भारतीय पहलवान रवि दहिया को टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिला है। उन्हें 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी के फाइनल में दो बार के वर्ल्ड चैंपियन रूसी ओलंपिक समिति के जाउर यगुवेक ने 4-7 से हराया। इसके साथ ही भारत का 13 साल से ओलंपिक गोल्ड मेडल का इंतजार अभी भी जारी है। अंतिम बार 2008 में शूटर अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था। जाउर यगुवेक ने अच्छी शुरुआत करते हुए 2-0 की बढ़त बनाई। इसके बाद रवि दहिया ने वापसी करते हुए स्कोर 2-2 से बराबर कर, जाउर ने फिर वापसी की और 2 अंक बनाते हुए 4-2 से बढ़त बनाया। पहले 3 मिनट तक स्कोर यही रहा, इसके बाद स्कोर 7-2 से जाउर के पक्ष में ही रहा। जाउर यगुवेक ने 2018 और 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। रवि दहिया कुश्ती में ओलंपिक मेडल जीतने वाले 5वें भारतीय पहलवान बने। सुशील कुमार ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज जबकि 2012 लंदन ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था। वह 2016 ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके थे। योगेश्वर दत्त ने 2012 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज और महिला पहलवान साक्षी मलिक ने 2016 रियो में ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया था। इससे पहले केडी जाधव ने 1952 में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वे ओलंपिक में मेडल जीतने वाले पहले पहलवान थे। रवि दहिया के ओलंपिक में रजत पदक जीतने के साथ ही हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान करा है। हरियाणा सरकार ने 4 करोड़ की इनामी राशि और सरकार में क्लास 1 की नौकरी व कंसल्टेंट्स रेट पे प्लॉट देने की घोषणा करी है। इसके साथ ही रवि दहिया के गाँव में एक इंडोर स्टेडियम बनाने की भी हरियाणा सरकार ने पहल करी है।